गाइस, हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं आपका फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए और बेहतरीन खबर के साथ। ऋतिक रोशन ने कहा, दुनिया की सबसे यंग डेमोक्रेसी को सलाम करता हूँ। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच बॉलीवुड के गलियारों से भी छात्रों के समर्थन में कई बड़े बड़े सितारे सामने आए हैं, लेकिन इनमें से कई ने पुलिस को सही ठहराया है तो किसी ने गलत। अब इस मामले पर अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी ट्वीट कर ही दिया और बेहद ही अहम बात कही है। दरअसल सुपर 30 में एक शिक्षक का किरदार निभा चुके ऋतिक रोशन ने ट्वीट में लिखा है कि भारत का नागरिक और एक पिता होने के नाते देश के विभिन्न शिक्षक संस्थानों में चल रही स्थिरता को लेकर बहुत दुखी हूं। मैं शांति के लिए दुआ और उम्मीद करता हूं जितनी जल्द हो सके यह लौटे। साथ ही ऋतिक ने ये लिखा है कि महाशिक्षक अपने विद्यार्थियों से सीखते हैं, मैं दुनिया की सबसे यंग डेमोक्रेसी को सलाम करता हूँ। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें ऋतिक ने दीपिका को अपने हाथों से चॉकलेट खिलाया था। इस वीडियो के बाद ट्विटर पर शेम ऑन ऋतिक एंड दीपिका ट्रेड होने लगा था। हालांकि लोगों ने दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को CAA और जामिया प्रोटेस्ट पर चुप रहने के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके कुछ फैंस उनके सपोर्ट में भी आए। वैसे तो ऋतिक रोशन के ये ट्वीट करते ही किसी को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि दो दिन पहले तो वो पार्टी में व्यस्त थे, अब कुछ लिखने का होश आया तो कुछ भी लिख डाला। खैर जो भी हो, CAA प्रोटेस्ट के अलावा जामिया और AMU के छात्रों संघ हिंसा पर अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं और ऋतिक रोशन ने छात्रों संघ हिंसा को लेकर दुख व्यक्त किया है। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से देश का माहौल है, हम भी यही आशा करते हैं कि जल्द ही सब कुछ स्थिर हो जाए और सब लोग अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाए। फिलहाल की खबर के लिए बस इतना ही। आगे के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल टुडेज न्यूज़, जहां हम कराते हैं आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। Till then, bye-bye, take care, keep watching today's news.